जय नारायण। आज यूनिट 2 HTML में हम HTML के बारे टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जो हम टेबल बनाते हैं अपने वेब पेज में, तो हम कैसे बनाते हैं? देखो, टेबल हमेशा ध्यान रखो कि अरेंजमेंट होता है रोज़ एंड कॉलम्स का। और टेबल जो भी डेटा बनाता है, जो भी डेटा टेबल में हम फिल करते हैं, वो भी रोज़ एंड कॉलम के बेसिस पर फिल करते हैं। टेबल जो वेब पेजेस में होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को और आराम से उसको रीड कर सके, इंटरप्रेट कर सके, इसलिए हम टेबल को बनाते हैं। कोई भी डेटा को आप टेबल में फॉर्म करेंगे तो आप भी देखे होंगे कि अगर रो एंड कॉलम के फॉर्म में आपको अगर कोई चीज़ मिला हुआ, तो आपको जल्दी और ज़्यादा तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आएगा कि क्या चीज़ किस हेड में है। पैराग्राफ में अगर लिखा हुआ तो प्रॉब्लम करता है वो सभी के लिए। बेसिक जान लीजिए कि टेबल अलाउ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट वेयर ईच सेल ऑफ अ टेबल कैन कंटेन टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड लिंक। ईच सेल की बात कर रहे हैं, एक एक सेल में आप किसी भी कंटेंट को टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, लिंक्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और टेबल पावरफुल टूल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। किसी भी कंटेंट को अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है वेब पेज पर, टेबल उनमें से एक पावरफुल टूल है। चलिए देखिए, टेबल HTML में बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, TABLE। ये टेबल का ऑन टैग है, फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम टेबल को लिखेंगे तो ये ऑफ टैग हो जाएगा। रो बनाना है टेबल के लिए तो TR टैग का यूज़ करते हैं। टेबल के अंदर डेटा कॉलम बनाना है तो TD टैग का यूज़ करते हैं, टेबल डेटा टैग का यूज़ करते हैं। टेबल में हेडिंग देनी है तो TH टैग का हम यूज़ करते हैं, टेबल हेडिंग के लिए, टेबल हेडिंग के लिए TH टैग का यूज़ करते हैं। अब वो बोर्ड और सेंटर्ड रहेगी। TD हमेशा एलिमेंट्स क्या होंगे, रेगुलर फॉर्म में होंगे, लेफ्ट अलाइंड होंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग, ये हमने आपको बताया। ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विद TH टैग, ईच टेबल डेटा इज डिफाइंड एज TD टैग। ठीक, देखिए एक सिंपल कोडिंग बनाया हुआ हमने टेबल टैग का यूज़ करके। TR टैग का हमने रो बनाया, TH फर्स्ट नेम, TH मतलब दो कॉलम हमने लिए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और TH एज तीसरा कॉलम, मतलब तीन कॉलम लिए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज का। उसके बेसिस पर ही हमने डेटा को फिल किया हुआ TD। नेक्स्ट में देखिए, पहले में TH है फिर TD आ गया, तो इस बेसिस पर हम डेटा को फिल कर रहे हैं। देखिए, हमने भी एक प्रोग्राम बनाया है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें हमने TH टैग का यूज़ नहीं किया, हम आपको प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको दिखाएंगे। सिंपल हमने एक HTML टेबल का यूज़ किया है, टेबल टैग बनाया है, TR में TD लिखा है, नेम और एज लिया है हमने इसमें, और हमने पांच बना के दिखाए। जनरल, बिल्कुल जनरल टेबल है। TR जब भी हमको रो को तैयार करना है तो हमें TR टैग का यूज़ करना, और जब भी हमें उस रो के अंदर डेटा को फिल करना है तो हमें TD टैग का यूज़ करना। TD टैग देखिए सिंपल टेबल बन के आ गया, लेकिन ये टेबल ना ही बॉर्डर दिख रहा है आपको, ना ही उसके अंदर सेल दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। अब बॉर्डर, बॉर्डर कलर, ये सब आपके कोर्स में भी नहीं है, CBSE ने बिल्कुल डिटेक्ट कर दिया इसको, लेकिन हम इसको पढ़ाएंगे क्योंकि इससे टेबल तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। देखिए, पढ़िए ऐसा जो कुछ कर सकें। तो टेबल के अंदर बॉर्डर लगाने के लिए हमने बॉर्डर की उसकी वैल्यू दी, बॉर्डर कलर इतना कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा कि आपको टेबल बनानी आ जाएगी। वो टेबल नहीं दिख रही थी, अगर ऐसे आप कहेंगे कि ये टेबल है तो देखिए ये टेबल नहीं दिख रही, हम आपको दिखा दें। ये देखिए, इसमें कोई नहीं कह सकता कि ये टेबल है। अब ये हमने लगाया, हमने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर एट्रीब्यूट है टेबल का एक, बॉर्डर कलर लगा दिया। देखिए टेबल, देखिए टेबल बन के आ गई, ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम उसके अंदर फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब इमेज, टेक्स्ट हमने आपको दिखा दिया, अभी हम आपको लिंक पढ़ाएंगे अगली क्लास में, तो आपको लिंक यूज़ करना आ जाएगा। तो इस टेबल के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसको हम सेंटर कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम टेबल के अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन, दो चीज़ लगाई गई। देखिए, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना। रो स्पैन का मतलब कितनी रो को आप कवर कर रहे हैं, रो स्पैन ये कितने कर रहे हैं। देखिए, हमने लगाया है TD रो स्पैन 6, ये देखिए लगाया ना TD रो स्पैन 6, कितनी रो को हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए 6 रोज हमने दिखा, तो 6 रोज पे वो कवर कर दिया। फिर से कोडिंग देख लीजिए, 6 रोज को हमने कवर कर दिया। तो देखिए फिर से, देखिए हमने लिखाया TD रो स्पैन 6, मतलब नेम जो है वो 6 रोज को कवर करेगा, पहले से लेके छठे तक। तो देखिए पहले से लेके छठे तक उसने 6 रो कवर कर दी। ये होता है रो स्पैन। रो स्पैन एट्रीब्यूट है एक टेबल का जो स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रोज इन अ सेल शुड स्पैन, कितने रोज को आप स्पैन कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उसको रो स्पैन बताता है। नेक्स्ट आता है कॉल स्पैन। देखिए कॉल स्पैन हमने नीचे लगाया हुआ है 2। ठीक, बहुत ध्यान से करना, यही चीज़ बहुत कंफ्यूजन होती है, तो एक बार में अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है।
जब नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्या रो स्पैन कर रहा है क्या कॉल स्पैन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक HTML का आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि रो स्पैन हुआ है कि कॉल स्पैन हुआ, और बच्चे उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब भी रो को कवर कर रहा है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को जब वो कवर कर रहा है तो वो रो स्पैन है, जब वो वर्टिकल कवर कर रहा है मतलब इसका वो कॉल स्पैन है। ठीक, कॉल स्पैन देखिए, हमने लिस्ट में टोटल लिखा तो कॉल टोटल आ गए। द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट डिफाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ सेल शुड स्पैन, जितनी कॉलम को वो कवर कर रहा है वो कॉल स्पैन। ये एक जनरल एग्जांपल है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी टेबल बनी हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेबल बनती है, उसमें भी आपको पूछा जाता है कि रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होगा। तो जब तक आप इसको खुद करके नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या होता है, ये अब समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब भी हॉरिजॉन्टल कवर कर रहा है तो वो रो स्पैन है, और वर्टिकल कवर कर रहा है तो वो कॉल स्पैन है। होप करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।